यहाँ पे डिजाइन ये वाला मिल जाएगा और दिखा दो। ये देखिए ये डिजाइनदार, ये देखो नीचे से ही दिखा दो, नीचे काफी अच्छे अच्छे। अभी देखो इसी दुकान में देखो इतनी बड़ी पतंग मिलती है, यहाँ पे आप पतंग देख लो कितनी बड़ी है, ये इसी दुकान में मिलेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइटलर ऑफिशियल। देखो मैं फिर से आया हूँ इमाम अली के काइट सेंटर में, और देखिए ये रहा अंकल, इन्हीं की ये शॉप है। और सामने आप मटेरियल देख लो कितना सारा रखा है, कुछ नया स्टॉक आया होगा, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी उसमें आपको दिखाया था। तो एक बार पूछते हैं अंकल से कि नया स्टॉक आया नहीं आया। हाँ नया स्टॉक आया है, वो आपको मैं दिखा दूंगा। और दुकान यहाँ पे आप दुकान की टाइमिंग बता दीजिए अगर किसी को आना, तो टाइमिंग क्या दुकान की? दुकान खुलती है सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक। तो सुबह 9 से रात के 9 की टाइमिंग है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं पतंगों की तरफ। तो पतंगे आप दिखाते जाओ, सबसे पहले बड़ी वाली पतंग से शुरू कर दो। यहाँ पे बड़ी वाली पतंग देखने को मिल रही है, और क्या रेट पड़ेगी? ये आपको बैठेगी 6.5 रुपए की, 6.5 रुपए की। और डिजाइन आप देखते जाओ कौन कौन सी है, यहाँ पे डिजाइन ये वाला मिल जाएगा और दिखा दो। ये देखिए ये डिजाइनदार, ये देखो नीचे से दिखा दो, नीचे काफी अच्छे अच्छे डिजाइन है इसमें। देखो ये देखो भूत वाली सब मिल जाएंगे आपको, ये देखिए ये मिल जाएगा 6.5 रुपए की पड़ेगी नहीं। हाँ जी। ये देखो आप इसमें डिजाइन देखते जाओ, ये आ गई भूत वाली आ गई, और सारी पतंगे 6.5 रुपए की, ये भी काफी अच्छा लग रहा है डिजाइन देखो। तो ये तो हो गई सब बड़ी वाली पतंग से, बड़ी वाली पतंग से शुरू कर दी। अब दिखाते हैं छोटी जो पन्नी अन्नी की है, पिद्दे हैं, और दिखाते जाओ और पतंगे देखो यहाँ पर भी रखी है सब पन्नी अन्नी की। अब दिखाते हैं आपको पेपर वाली पतंग, तो देखो ये कौन सा है, मंजोली से छोटा, 3 रुपए की। अच्छा 3 रुपए की बिकती है। लोग फैंसी पतंगे मांगते हैं ना, तो फैंसी पतंग भी आपको मिल जाएगी। ये देखो ये कौन सी रॉकेट वाली पतंग हो गई, इसे आप कह सकते हैं। और ये क्या रेट की पड़ रही है? ये आपको 180 रुपए की पड़ेगी। अच्छा तो स्टार्टिंग इतने से? 180 से स्टार्टिंग है। अच्छा तो ये वाली पतंग देखो तो पड़ जाएगी, और यहाँ पे देखो इस तरीके से ये इसमें वो लगते हैं ना, ये आपको पतंग के साथ ही मिलेंगे। इसे घुमा के दिखाओ एक बार आप, ये देखो, और फोल्डेबल पतंग है, फोल्ड वोल्ड सब कर सकते हो, ये चीज मिलती है इसके साथ। ये आप लगा दोगे आराम से पतंग उड़ेगी तेज हवा में, तो अच्छा हल्की हवा में भी उड़ जाएगी। 180 से स्टार्टिंग है, और बाकी कितने तक जा रही है? अच्छा अलग अलग देखो, अलग अलग डिजाइन है, तो अलग अलग पतंगे रखी होंगी, आपको दिखा दूँ सामने देखो वो रखी। तो ये सब पतंगे हो गई, ये पड़ेगी आपको 180 की स्टार्टिंग इतने से। मंजोली पतंग का स्टॉक देख लो, ये सामने रखा है और ये रखा है, तो यहाँ से अंकल से कहते हैं यहाँ पे आके आप दिखा दो। ये देखो ये पतंगे जा रही सब बाहर मंजूली, तो इसमें कुछ यूनिक डिजाइन दिखाते हैं क्योंकि लोग कलर ही मांगते हैं, तो कलर वाली दिखाने हैं। देखो जैसे ही मुड्डे जा रही, और ये क्या रेट पड़ेगा मंजूली पतंग का अपना? आपको बैठेगी 450 रुपये। 450 रुपये की पतंग पड़ रही, तो इसमें आपको एक याला डिजाइन मिल जाएगा। और कौन सा डिजाइन है इसमें? तो ये डिजाइन है, और डिजाइन देखो नीला मिल जाएगा, नीला मिल जाएगा। अच्छा थोड़ा माजे की शॉर्ट चल रही है, तो हाँ शॉर्ट बहुत है, माल मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मतलब इतनी डिमांड है बाहर गुजरात अहमदाबाद में कि मतलब शॉर्ट हो गया माल बरेली में। तो ये भी देखो आप मंजोली पतंग है ना, ये भी मंजोली पतंग है, 450 रुपये, 450 रुपये की 100। सही है, तो ये तो मंजोली हो गई। अब आपको दिखाते हैं अद्दी पतंगे, तो अद्दी भी आप देख लो, जो नीचे रखी है अद्दी ही मंजोली है, ये सब अद्दी है, तो अद्दी भी दिखा देते हैं आपको। तो ये देखो अद्दी में दिखाते हैं सारे डिजाइन, और रेट वेट भी बताएंगे आपको फिर। अद्दी बैठेगी आपको 600 रुपये सैकड़ा। अच्छा 600 रुपये सैकड़ा, और इसमें आप डिजाइन देखते जाओ कौन कौन से डिजाइन है। ये है मुड्डेदार है, इसमें पट्टेदार है, पट्टेदार चप है, और भी देख लो आप डिजाइन, ये सारी पतंगे रखी हैं। आप शॉप पे आके आप देख लो, ये देखो मांगदार, ये देखो कितना बढ़िया डिजाइन है, मात्र आपको 6 रुपये की पड़ रही है नहीं। हाँ जी 6 रुपये की आपको अद्दी पतंग पड़ जाएगी। तो अद्दी भी दिखा दी आपको, मंजोली दिखा दी, अब चलते हैं पौनी की तरफ। बाकी पन्नी अन्नी के पिद्दे देख लो, छोटे वाले मिल जाएंगे यहाँ पे, ये रखे ब्लू वाले। और ये क्या रेट है पन्नी के पिद्दे? 350 रुपये सैकड़ा, 350 रुपये सैकड़ा। कलर देखो इसका कितना बढ़िया, फिनिशिंग बहुत होती है इसके अंदर। ये देखो एक आपको ये कलर मिल जाएगा, और एक मिलेगा ब्लू, और भी है, मतलब आप शॉप पे आके देख लेना। और छोटी पतंग के लिए लोग कह रहे थे ना छोटी पतंग है, तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी पतंगे मिल जाएंगी। देखो ये कितने रुपए की जर्की, छोटी छोटी पतंग, कितने रुपए के पैकेट है? 20 रुपए का एक पैकेट है। तो ये वाला भी इसमें तो 5 है। अच्छा इसमें 5। अच्छा ये जो पैकेट है ये आपको 20 का पड़ जाएगा, इसमें देखो ये 20 का पड़ जाएगा। और यहाँ पे चरखी अरखी मिल जाएंगी, छोटी चरखी ऐसे 100 वाली जो होती ना, तो ये तो चरखी हो गया। आपको दिखाते हैं पौनी पतंगे, यहाँ पे देखो आपको पौनी दिखा दे रहा हूँ। मैं जब भी इनकी दुकान में आता हूँ ना, एक बात तो है कि पौनी का साइज इनकी दुकान में बहुत बड़ा है, जो और दुकानों में जाता हूँ उसमें पौनी का साइज काफी छोटा होता है। तो ये क्या रेट पड़ेगी पौनी? ये आपको पड़ेगी 900 रुपये सैकड़ा। 900 रुपये सैकड़ा, मतलब 9 रुपये की एक पतंग पड़ जाएगी। और इसमें आप डिजाइन दिखा दो कौन कौन सी। तो ये देखो रेड वाला, अगर आप चाहते हो तो रेड वाला तो काफी बढ़िया कलर है, और देखिएगा भी काफी अच्छा आसमान में जाके, यहाँ पे रेड मिल जाएगा। और ये देखो ब्राउन चॉकलेटी कलर, इसके नीचे भी आपको दिखा दूँगा, शायद इसमें ब्लू भी है एक। ये देखो ब्लैक ब्लू ब्राउन सारे कलर मिल जाएंगे यहाँ पे।
ऐसे दिखा दो आप, ये देखो ये सारी पतंगें रखी है नीचे तक। बाकी आप शॉप में विजिट करोगे तो आपको नया नया जितना स्टॉक आता रहेगा वो मिलता रहेगा। तो पौनी पतंग आपको पड़ जाएगी 9 रुपए की। तो पतंगे हो गई, अब चलते हैं मांझे की तरफ। मांझे की शॉप दूसरी है तो उधर चलते हैं, फिर आपको मांझा दिखाते हैं वाली शॉप में कवर करके। देखो हम मांझा अब आपको दिखा दे रहे हैं। मैंने कहा ना दो पोर्शन है शॉप के, तो एक में आपको पतंगे दिखेंगी और दूसरे में मांझा। तो मांझा आप देख लो ये सारी भरी है। तो पहली चरखी किसकी खुल रही है अपनी? पहली चरखी इसकी ग्लाइडर की। ग्लाइडर की पांडा ही है ना? हाँ जी पांडा। ग्लाइडर का पांडा देखो और रेट ही बता देंगे। देखो सतरंगी एकदम, सतरंगी पांडा। और क्या रेट की पड़ी चरखी? ये आपको बैठेगी 360 रुपए की। तो 360 रुपए कितने रीलों का? तीन रील, दो रील, तीन रील होगा। 360 रुपए की पड़ जाएगी तीन रील की ग्लाइडर की। और आपको दिखाते हैं एक और ग्लाइडर का, इसमें कलर थोड़ा चेंज होगा, अलग अलग कलर की दिखाएंगे सारी चरखियाँ आपको। ये देखो आप इसका कलर देखो एकदम यूनिक सा। ये भी वही सेम रेट है ना? हाँ सेम रेट है, सेम क्वालिटी। तो रेट सेम है और क्वालिटी भी सेम है, बस कलर का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे आपको ये है ब्लू और ये है आपका ये सतरंगी वाला, जो आपको ऑरेंज ऑरेंज मिल जाएगा। और पतंगे तंगे देख लो, पतंगे यहाँ पर पैक होकर जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। देखो बाहर गुजरात अहमदाबाद ही जा रही होंगी। ये देखो इसमें ये मिल जाएगी, नीली पतंग मिल जाएगी। वाह ये देखो एक और डिजाइन बढ़िया सा। तो ये तो सारी पतंगे हो गई, अब आपको दिखाते हैं कुछ मांझे और भी दिखा देते हैं 12 रील के, या कोई 12 रील या 6 रील का होगा। ये तो 3-3 रील की हो गई, आपको 6 रील का दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखो आप यहाँ पूरी चरखियाँ रखी हैं, इतनी सारी चरखियाँ ना कि आप कन्फ्यूज। तो यहाँ पे देखो 6 रील का ये मांझा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हमने अभी पांडा दिखा है। अब देखो आप 6 रील का, पांडा 3 रील का था, ये 6 रील का है। और देखो ये कलर देखो यार, लेकिन ऐसे कलर ना आप तभी लेना जब आपकी तरफ धूप निकल रही हो, क्योंकि ये कलर आप ना उस समय लड़ाओगे जिस समय बादल होंगे, तो ये मांझा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ऐसे कलर अगर आप लो तो भाई जब धूप निकले तभी लो, वरना अगर आपको एकदम बढ़िया मांझा चाहिए काले कलर का तो फिर आप पता ही कौन सा लेना है। तो देखो ये तो सारे मांझे अंझे हो गए, और मैं आपको दिखा दूँ ये देखो ये पूरी दुकान ना मांझे से भरी है, मतलब इनकी दो पोर्शन है, एक में सिर्फ आपको पतंगे पतंगे मिलेंगी, एक में आपको मांझा पतंगे सब मिलेंगी। ऊपर देखो बैग भी है, बैग भी दिखा दे रहे हैं के क्या क्या रेट होंगे। बैग ये 300 रुपए का। अच्छा 300 रुपए का, इसमें कितनी पतंगे आएंगी? लगभग आ जाएंगी 500 पतंगे। अच्छा 500 पतंगे आ जाएंगी और 300 रुपए का बैग पड़ेगा ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये देखो यहाँ पे देखो एक और चरखी खुलवाई, और देखो इस चरखी में भी कलर ही मैंने निकाल के आपको दिया है, क्योंकि कलर की काफ़ी डिमांड आती है कि भाई कलर दिखाओ कलर दिखाओ, लेकिन कलर का डिसएडवांटेज यही है कि भाई वो एकदम खिले मौसम में ही लड़ेगा। तो कलर अगर आप ले रहे हो उत्तरायण के लिए अपनी किसी भी काइट शॉप से, किसी भी काइट शॉप से ले रहे हो, तो भाई देख दाग के लेना, वरना मेरी बात मानो तो डार्क कलर ही लेना, जैसे ग्रीन हो गया, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लैक, ऐसे मांझे आपको रिजल्ट देंगे। ये मांझे देखने बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन ये रिजल्ट इतना अच्छा नहीं देंगे जितने डार्क मांझे देंगे। तो जब भी मांझा लो देख के लो, ताकि आप काफ़ी पतंगे काट सको। बाकी ये सारे मांझे अंझे रखे हैं, आपने देख लिया। वैसे आपको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं भाई एक बात कहना चाहता हूँ कि आगे आगे पतंगबाजी का त्यौहार आ रहा है, तो आप लोग जो है ओवर ब्रिज पे स्लो चलें और आगे आगे टंकी पे बच्चों को ना बिठा लें, क्योंकि इसमें कोई भी मांझा खतरनाक हो सकता है। आप लोग इस बात का थोड़ा सा एहतियात करें कि हमें कैसे चलना है, ओवर ब्रिज पे थोड़ा स्लो चलें आप लोग, थोड़ा सा उन पर ध्यान रखें कि हमारा बच्चा किस चीज़ से पतंग उड़ा रहा है, जरा ये देखें और उसको देखने के बाद फिर पतंगबाजी करें। धन्यवाद।